दोस्तों, आवसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो डिजाइन लाई हूँ वो बेहद खूबसूरत है। आप इसे किसी भी जेंट्स प्रोजेक्ट में, लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमें इवन नंबर में फंदे चाहिए, यानी दो के मल्टीपल में फंदे चाहिए, जोड़े में फंदे चाहिए, दो दो करके जोड़े में हमें फंदे चाहिए। तो हम दो के मल्टीपल में कितने भी फंदे डाल सकते हैं। तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से है। तो पहले लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड से सभी फंदों, दूसरे लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तीसरे लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। और चौथी लाइन में वापस सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो चार लाइन हम प्लेन बुन लेंगे। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे, दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे, तीसरी लाइन में सभी फंदे सीधे और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे। चार लाइन प्लेन बनाने के बाद पांचवी लाइन में हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब नेक्स्ट दो फंदे के देखिए साइड्स में हम ऐसे सिलाई डालेंगे। दो फंदे के बाद हमने दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डाली और एक लूप निकालेंगे। अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को जिसके बाद हमने लूप निकाला है उनको हम बैक साइड से सीधा बुन लेंगे। तो हमने दो फंदे पे तीन फंदे बना लिए। अब हम फिर दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे। देखिए दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में हमने सिलाई डाली, एक लूप निकालेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर इन दो फंदों को जिसके बाद हमने लूप निकाला है उन दो फंदों को हम बैक लूप से, बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। हमने दो का एक कर लिया, दो फंदों से तीन फंदे बन गए। फिर से देखिए दो फंदों के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में हम ऐसे सिलाई डालेंगे। देखिए दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में हमने सिलाई डाला। और एक लूप निकाल लेंगे। अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को हम देखिए पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदों को लेंगे, उनके बाद ऐसे सिलाई डालेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, अब उनको अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को जिसके बाद हमने लूप निकाला है उनको हम पीछे की तरफ से, उन हमने अपनी तरफ कर लिया यानी ये दूसरा फंदा बन रहा है, और पीछे की तरफ से एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो का एक कर लेंगे। तो दो फंदे से तीन फंदे हो गए।
तो हमने पांचवा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का छठा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए तीन फंदे हैं, हमने दो फंदों से तीन फंदे बनाए थे, तो एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, ये जो दूसरा फंदा है इसको हम उठाएंगे और पहले फंदे के ऊपर से करते हुए इसे हम दाहिने सिलाई पे ले लेंगे। अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को हम एक साथ लेते हुए उल्टा बना लेंगे, यानी अब तीन से वापस दो फंदे हो गए। ऊन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए ये तीन फंदे का डिजाइन है, तो ये बीच का फंदा, यानी देखिए इधर से ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये फंदा ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो इसको उठाएंगे और पहले फंदे के ऊपर से ऐसे निकालते हुए दाहिनी सिलाई पे ले लेंगे। इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, बस पहले फंदे के ऊपर से दाहिनी सिलाई पे ले लेना है। अब ऊन को वापस अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को हम एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए दो का एक कर देंगे। हमारे फंदे वापस दो हो गए। अब ऊन को दूसरी तरफ करेंगे। अब देखिए ये तीन फंदे का डिजाइन है, तो दूसरे वाले फंदे को, बीच वाले फंदे को हम उठाएंगे और दाहिनी सिलाई पे ले लेंगे। दाहिनी सिलाई पे ले लिया। अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये जो दो फंदे बचे हैं उन दोनों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब देखिए तीन से वापस दो फंदे हो गए, यानी हमारे जितने फंदे थे वापस हमारे पास उतने ही फंदे हो गए। उनको दूसरी ओर करेंगे। देखिए तीन फंदे का डिजाइन है, तो बीच वाले फंदे को हम दाहिनी सिलाई पे कर लेंगे। दाहिनी सिलाई पे कर लिया। अब उनको अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। उन दूसरी ओर देखिए तीन फंदे हैं, तो बीच वाले फंदे को उठाएंगे और दाहिनी सिलाई पे कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और इन दो फंदे को जो बचे हुए हैं इन दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर देंगे। फिर ऊन दूसरी ओर, बीच वाले फंदे को हम पहले फंदे से निकालते हुए दाहिनी ओर कर लेंगे, दाहिनी सिलाई पे कर लेंगे। उनको अपनी ओर करेंगे। अब इन दो फंदों को हम एक साथ लेते हुए उल्टा बुन देंगे, दो का एक कर दिया। उन दूसरी ओर देखिए बीच वाले फंदे को उठाएंगे और दाहिनी सिलाई पे कर लेंगे। उनको अपनी ओर कर लेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक। उन दूसरी ओर तीन फंदों में से बीच वाले फंदे को देखिए ये ऊपर से यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, आसानी से इसको हम ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और दाहिनी सिलाई पे ऐसे कर लेंगे। इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, बस स्लिप कर लेना है। उनको अपनी ओर करेंगे और शेष दो फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुन देंगे। और लास्ट फंदा उल्टा। देखिए अब इन्हीं छह लाइनों को हमें दोहराना है, यानी
सातवीं सिलाई हमने पूरी सीधी बुन ली और आठवीं सिलाई हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। आठवीं सिलाई में सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। हमने उल्टा बुन लिया, अब नवी लाइन में हम सभी फंदे वापस सीधा बुन लेंगे। नाइन्थ रो में सभी फंदे सीधे। और टेंथ रो में सभी फंदे उल्टे। एलेवेंथ रो में अब हमारा फिर से डिजाइन पड़ेगा, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब दो फंदों के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर उन अपनी तरफ, फिर दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमने दो का तीन फंदे बना लिए। अब फिर नेक्स्ट दो फंदे के बाद हम सिलाई डालेंगे। देखिए, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में हमने सिलाई डाला, एक लूप निकालेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे और फिर इन दो फंदों को हम बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। यानी हमने दो का एक कर लिया, तो हमने दो फंदों से तीन फंदे बना लिए। अब हम पूरी लाइन में हम यही करेंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और पहले लूप बनाएंगे। दो फंदे के बाद से हमने देखिए लूप निकाल लिया, उनको अपनी ओर किया, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लिया। दो फंदों को के बाद हम सिलाई डालेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में एक लूप निकालेंगे। देखिए, हमने ये लूप निकाल लिया। अब उनको अपनी ओर करेंगे और फिर इन दोनों फंदों को बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। पीछे की तरफ से हमने इन दोनों फंदों को सीधा बुन लिया। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक फंदा बचेगा, उसे हम सीधा बुनेंगे। तो हमने 11वां लाइन कंप्लीट कर दिया। अब 12वें लाइन में पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए, ये तीन फंदों के डिजाइन में दूसरा फंदा यहाँ से देखिए उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे उठाएंगे और इसे निकाल के हम दाहिनी सिलाई पे कर लेंगे। इसके पहले उनको हम दूसरी तरफ कर लेंगे। अब हमने दूसरे फंदे को दाहिनी सिलाई पे कर लिया, इसे हमें बुनना नहीं है, बस स्लिप कर लेना है। अब उनको अपनी ओर करेंगे और इन दो फंदों को जो सिलाई पे रह गए हैं, इन्हें हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब उन दूसरी ओर बीच वाले फंदे को यानी दूसरे फंदे को उठाएंगे और पास करते हुए दाहिनी सिलाई पे कर लेंगे, उनको अपनी ओर। अब दोनों फंदों को दो का एक कर लेंगे, उन दूसरी ओर दूसरे फंदे को उठाएंगे और दाहिनी सिलाई पे हम कर लेंगे। इसे हमें बुनना नहीं है, बस स्लिप करना है, उनको अपनी ओर और शेष दोनों फंदों को उल्टा। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट फंदा, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद फिर इन्हीं छह लाइन को हम दोहराएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, छह लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है, या यू कहिए दो लाइन का डिजाइन है और दो डिजाइन के बीच में चार लाइन का गैप है। तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, बेहद खूबसूरत डिजाइन है, आपके स्वेटर में चार चांद लगा देगा। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिजाइन बेहद खूबसूरत है, आप इसे अपने स्वेटर में जरूर बनाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।